नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यानी आपके अपने चैनल किसान भारती टीवी में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे गाजीपुर बॉर्डर पर होने वाले किसान प्रदर्शन की, जहां पे आज किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बोला कि अभी तक आप सुनते थे किसान नेताओं की बात, आज सुनिए आप हमारी बात, हमारे मन की बात कि हम क्या चाहते हैं, असल में किसान क्या चाहता है। इस किसान आंदोलन के समय किसानों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि हम ये चाहते हैं कि हमें MSP मिले, और उन्होंने ये बताया कि उनके सरदार VM सिंह को भी एक प्रतिनिधि माना जाए 40 लोगों की कमेटी में। भी कुछ साथी उत्तरांचल के भी बहुत सारे किसान साथी अलग अलग जिलों से यहाँ पर इस वार्ता में आज बैठे हैं, जिस वार्ता का टाइटल ही है किसानों की नहीं, किसान नेताओं की नहीं, किसानों के दिल की बात। बहुत हो गई प्रधानमंत्री के मन की बात, अब आप सुनिए किसानों के दिल की बात। किसानों का मुद्दा पिछले 2 महीने से पूरे देश के सामने है, जिसमें सिर्फ 2 मुख्य मुद्दे हैं, 3 कानून वापस हों और MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बने। हम सब लोग देख पा रहे हैं पिछले 2 महीने में जितनी वार्ता हुई है, सभी वार्ताओं में 3 कानून के मुद्दे पर ही बात हो रही है। MSP पर खरीद की गारंटी का मुद्दा जो सबसे अहम मुद्दा है, उस मुद्दे पर सरकार बात नहीं कर रही है। बहाना दिया जा रहा है कि किसान नेता अड़ियल रवैये के साथ ये कह रहे हैं कि पहले के कानून रद्द किए जाएं, फिर आगे की बात की जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि अगर सरकार को किसान नेता का रवैया अड़ियल लग रहा है, हम सभी किसान साथी जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब ये कहना चाहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप सभी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार इन किसान बंधुओं से सीधे वार्ता करे और MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने के लिए वार्ता की जाए। जिस मुद्दे को पिछले 2 महीने से जिस मुद्दे पर वार्ता नहीं की जा रही है, आज समय है कि इन किसान भाइयों की, हम सबकी फसल तैयार हो चुकी है, आने वाले 1-1.5-2 महीने के अंदर सरसों और गेहूं की फसल बाजार में होगी, तो उस फसल का हमें क्या भाव मिलेगा। MSP तो तय पिछले कई दशकों से होता आया है, लेकिन हमें आज तक MSP रेट नहीं मिला है। हम सब किसान साथी चाहते हैं इस MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने के लिए अविलंब वार्ता शुरू की जाए और सरकार इस कानून को बनाए, ताकि हमारी आने वाली फसल भी संरक्षित हो सके। मैंने पहले भी कहा, सरकार बहाना दे रही है कि किसान नेताओं का रवैया अड़ियल है, तो हम एक विकल्प दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि रवैया अड़ियल है, तो आप सीधा किसानों से बात कीजिए और MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने पे बात कीजिए। एक बात बताइए, सरकार आज बांटने का काम कर रही है, बटे हुए नहीं है, बटे हुए नहीं है, सब एक साथ है। एक बात समझिए, आप एक ही प्रदेश के 32 नेताओं को बुला रहे हैं और उत्तर प्रदेश जो कि एक बड़ा राज्य है जिसमें 75 जिले हैं, और इस प्रदेश से 350,000 मैट्रिक टन का धान गेहूं का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन होता है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के किसानों की तरफ से आप सिर्फ एक नुमाइंदे को बुला रहे हैं, तो ये बांटने का काम तो सरकार करना चाह रही है। कल 1.5 साल के लिए इन 3 कानूनों को स्थगित करने की बात कही है, यह बात तो 2 तारीख को बुराड़ी के मैदान में हमने सरकार से पहले ही रखी थी। हमारे नेता ने ये बात कही थी कि आप जो हैं इन कानूनों को स्थगित करें और उसके बाद किसान नेताओं को बुलाएं और उनसे वार्ता करें कि आपको क्या दिक्कत है। तो जो आज 70 किसान की यहाँ पर शहीद हुए हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? जो काम सरकार आज कर रही है, इसे सुझाव देने के बाद भी सरकार ने नहीं किया। और हम बड़ा स्पष्ट अपनी बात कह देना चाहते हैं कि सरकार को हमारे देश के अंदर कुछ जगह पर MSP पर 85-86% पर खरीद होती है, तो उनको तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसान को, उत्तराखंड के किसान का कुल
एमएसपी पर 5 से 6% पर खरीद होती है, और जब तक एमएसपी की खरीद पर गारंटी का कानून सरकार नहीं बनाती और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जब तक लागू नहीं करती, तब तक गाजीपुर बॉर्डर का किसान अपने आंदोलन को जारी रखेगा। इस बात को तो हम बता दिए, पहले ही हम तैयार थे, आज भी तैयार हैं कि ये उससे वार्ता करें, पूरे देश के किसान नेताओं को बुलाएं, सभी किसान नेता, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, ये नहीं है कि आप सिर्फ एक या दो स्टेट के किसान नेताओं को बुलाकर और उनसे वार्ता करें, इससे किसान का भला होने वाला नहीं है, पूरे देश के किसान नेताओं को आपको बुलाना पड़ेगा। हम सबको भेजना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि पूरे देश के जो किसान नेता हैं, जो अपने अपने संगठन के अध्यक्ष हैं, उनको सबको सरकार निमंत्रण दे और उस पर चर्चा करे, इन कानूनों को स्थगित रखे। तब तक सारे किसानों ने यही डिसाइड किया था कि हम सब एक ही बैनर के अंडर काम करेंगे और सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। अब ये क्यों देखा जा रहा है कि सारे किसान यूनियन अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से बढ़ गए हैं? सकेत जी ने बोला कि हम तो आंदोलन जारी रखेंगे, और वार्तालाप खत्म होने के बाद कुछ किसान नेताओं ने बोला कि हम सरकार की प्रस्ताव पे सोचेंगे। देखो, ये दोहरी बात कैसे? दोहरी नहीं है, हमें कुछ ऐसा अंदाजा लग रहा है कुछ, कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार हमारे अंदर जो है फूट डालने का काम करे, वो काम हम नहीं होने देंगे, अपनी बात को पहले ही सरकार को आगाह करने जा रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग बताई ना, एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून, ये उत्तराखंड और उस पर वे बात पूरी नहीं करते, ना सरकार कर रही ना कुछ, हमारे नेता भी उसको पीछे रोक रहे हैं। आपके माध्यम से, अपने तरीके से, हम उस बात को उन तक भी पहुंचाना चाहते हैं, सरकार के कानों तक भी पहुंचाना चाहते हैं। वहीं से चल रहा था कि भी आप कोई अलग से कमेटी बनाना चाहते हैं, अलग से कोई नेता डालना चाहते हैं। मैं वो उस बात से आगाह आपको भी, मीडिया को भी, और किसानों को भी, और सरकार को भी कराना चाहता हूँ कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की यूपी उत्तराखंड कोई सरकार ऐसी नहीं है जो ये ना जानती हो कि भी इसका किसानों का असल नेता कौन है, किसने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर किसान को जागृत किया है, घर घर जा कर के 7 किसानों का कत्ल किया सरकार ने, पुलिस ने मंदसौर में जाकर के बीएम सिंह ने जब उनके आंसू पूछे। नहीं, आपका कहना है कि सरदार बीएम सिंह उस कमेटी के सदस्य होने चाहिए? हाँ, मैं सर इसी बात की रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बात को सुन लीजिए। जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात को सुनिएगा, मैं एक मिनट लूंगा सिर्फ, आपकी ज्यादा नहीं, मैं एक मिनट लूंगा, प्लीज मुझे बोलने दीजिए यार, मैं एक मिनट लूंगा सिर्फ आपके साथ, मैं ज्यादा लूंगा। असल में उस सरदार बीएम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा करके और कानून की अच्छी व्याख्या कर करके वहाँ से मुकदमे जीत करके आए हैं किसान के पक्ष में, और किसान को कितना लाभ पहुँचाया, हजारों हजारों लाखों लाखों रुपए का फायदा पहुँचाया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक चीज़ का अनुभव यह हुआ है कि किसान अब दो गुटों में बट चुके हैं। एक गुट वो है जो किसान आंदोलन को अभी भी आगे बढ़ाना चाहता है, ट्रैक्टर रैली निकालना चाहता है, और सरकार पे दबाव बना के काले कानून जो किसान कहते हैं वापस लेना चाहता है। एक गुट ऐसा है जिन्होंने सरकार के दिए प्रस्ताव को माना है, उस पर चर्चा करना चाहते हैं। ये गुट वो किसानों का है जिन्होंने सरकार की दी हुई एक योजना, यानी कि सरकार का दिया हुआ एक प्रस्ताव को माना है, जो प्रस्ताव इस तरीके का है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डिनेंस ला के इस बिल को 2 साल तक के लिए स्थगित कर देगी, यानी कि 2 साल तक ये बिल किसी तरीके से प्रभावित नहीं रहेगा, और एक कमेटी बना के एमएसपी और सारे कानूनों पर चर्चा करी जाएगी। और एक गुट ऐसा भी है जो कि इन सब चीज़ों को नहीं मान रहा है, उसका अभी भी मानना है कि हमारे को ये कानून नहीं चाहिए। देखते हैं कि आगे क्या होगा। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए किसान भारती देखते रहिए, हमारे साथ यूं ही जुड़िए। धन्यवाद।